रामनीति की पसंदी के बारे में यही कहूँगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जनता ही है, और प्रदेश की जनता जानती, कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। कमलनाथ सरकार में मंत्री उमंग सिंघार के बयान ये बता रहे हैं कि एमपी सरकार में ऑल इज वेल नहीं है। एक तरफ अपने बयान से दिग्विजय पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है। एक बार पूरा बयान सुनिए, दिग्विजय को लेकर उमंग सिंघार ने कहा क्या है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कहूँगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जनता ही है, और प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं, जब सरकार ही चला रहे हैं तो चिट्ठी की आवश्यकता क्यों। उमंग सिंघार के इस बयान से कांग्रेस में खलबली मची है। दरअसल सोशल मीडिया पर दिग्विजय का लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंत्रियों से तबादले और दूसरे कामों को लेकर जानकारियां और 31 अगस्त से पहले मिलने का वक्त भी मांगा है। इस पर उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार ही चला रहे हैं तो चिट्ठी क्यों लिखी। उमंग यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी दिग्विजय सिंह की शिकायत कर डाली। इधर कांग्रेस पार्टी में सब ओके ओके जताया जा रहा है। उमंग सिंघार जी ने जो बात कही है उसको बहुत अलग तरीके से लिया जा रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है। देखिए, हर व्यक्ति के का काम करने का तरीका होता है, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का अपने काम करने का तरीका है। मैं समझता हूँ कि उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है, क्या मंत्रियों को इस तरह हड़काने का अधिकार उसके पास है? काम का हिसाब दो, कौन से काम, किसके काम, क्या काम वो जनता के हित में। पर अजीब बात यह है कि पीछे से वही सरकार चला रही है, मंत्री कह रहे हैं। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो हस्तक्षेप करे और स्थिति स्पष्ट करे कि असली मुख्यमंत्री कौन है। हम तो पहले भी कहते रहे कि ढाई मुख्यमंत्री की सरकार है, और कोई सरकार चला और पद की शपथ कोई और ले, ये होना नहीं चाहिए। पर्दे के पीछे से सरकार नहीं चलनी चाहिए, सरकार सामने से चलनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए। जिसने शपथ लिया उसी को चलाना चाहिए। अब इससे अजीबोगरीब परिस्थिति पैदा हो गई। बीजेपी पहले से ही एमपी में तीन तीन मुख्यमंत्री होने की बात कह रही थी, और अब उमंग सिंघार से बीजेपी की ये बात सच साबित होती नजर सी आती है। R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट।